जब तक हम हंसते हैं तभी तक जिंदा है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। बचपन तब सबसे अच्छा लगने लगता है जब हम वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होने के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि हमें यह महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कोई भी हमारी परवाह नहीं करता। हाँ, अब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, खुद ही संभालना पड़ता है। यह पता लगाना है कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है, काम करना और बिलों का भुगतान करना और समय पर कार या मीटिंग में पहुंचना, लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरना, नया फर्नीचर खरीदना, कार के टायर बदलना और फ़ोन चार्ज करना और कॉफ़ी मशीन को बंद करना, कुल मिला के घर संभालना। हमारे पास सोचने या सांस लेने का समय नहीं होता। हम बस उठते हैं और ढेर को खोदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल हमारे ऊपर एक और ढेर लगाया जाएगा। हम कभी कभी अपने कार्यस्थल पर या सड़क पर इधर उधर देखते हैं और डर महसूस करते हैं कि बाकी सभी को ठीक से पता है कि वे क्या कर रहे हैं। हम यह सब देखते हैं, वे अधिक चिंतित हो जाते हैं। सच तो यह है कि अगर लोग वाकई उतने ही खुश होते जितने वे इंटरनेट पर दिखते हैं, तो वे इंटरनेट पर इतना समय नहीं बिताते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वाकई अच्छा दिन बिता रहा होता है, वो अपना आधा समय खुद की तस्वीर लेने में नहीं बिताता। अगर किसी के पास पर्याप्त खाद है तो वो अपने जीवन के बारे में मिथक को पाल सकता है। इसलिए अगर बाड़ के दूसरी तरफ घास हरी दिखती है तो शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह गंदगी से भरी हुई है। हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके अनुभव का योग होता है, लेकिन यह सच नहीं है। कम से कम पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि अगर हमारा अतीत ही हमें प्रभावित करता है तो हम कभी खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें खुद को यह समझने की अनुमति दी जानी चाहिए कि हम कल की गलतियों से कहीं बढ़कर हैं। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और असली वर्ग विभाजन उन लोगों के बीच है जो पैसे उधार ले सकते हैं और जो नहीं ले सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमा ले, फिर भी वह महीने के अंत में पैसे की चिंता में जागता रहता है। हर कोई अपने पड़ोसियों के पास क्या है यह देखता है और सोचता है कि वे इसे कैसे वहन कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी क्षमता से परे खर्च कर रहा है। वास्तव में अमीर लोग कभी अमीर महसूस नहीं करते, क्योंकि अंत में वो केवल वही चीज़ खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है। वे उसका अधिक महंगा संस्करण खरीद लेते हैं, लेकिन वो भी उधार के पैसे से। फिर हम अपने बचपन में लौटते हैं जहाँ हर पल काफ़ी सुंदर है और छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश थे। अंत में एक ही बात याद रखें कि हास्य आत्मा का अंतिम रक्षा पंक्ति है, और जब तक हम हंसते रहते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। दिखावा करने से बचें। ज़्यादातर लोग अपने हिस्से का पैसा सोशल मीडिया के दिखावे में खर्च कर देते हैं। बड़े शहरों के लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए बेहद महंगी साइकिलिंग शॉर्ट्स और स्विमिंग कैंप खरीदते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में एक ब्लैक होल है जो सोशल मीडिया तस्वीरों को निगल जाता है। इसलिए दिखावा करने से बचना चाहिए।